ये मुद्दा आपका है, ये मुद्दा मेरा है, ये मुद्दा आपके घर में जो बहना बैठी है उसका मुद्दा है, ये गरीब का मुद्दा है, ये युवाओं का मुद्दा है, ये आम जनता का मुद्दा है। आज जिस तरह से आम जनता परेशान है, अपना जीवन बिताने के लिए रोजी रोटी कमाती है महीने भर की, और बच्चों को पूरा महीना भी वो खाना नहीं दे पाती, वो उनके खिलाफ ये लड़ाई है। आज जिस प्रकार की महंगाई हम सारे देख रहे हैं, जिस प्रकार का माहौल आज देश में है, विद्वेष का माहौल है, कभी भी ऐसा इस देश में नहीं था। लेकिन मोदी सरकार के ये चार साल में इस देश में जिस प्रकार का आज माहौल है, उसके खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और इस सरकार के जुमलेबाजी के खिलाफ ये लड़ाई है। मुंबई प्रदेश के हमारे नेता अध्यक्ष सम्माननीय संजय जी निरुपम और हम सारे कार्यकर्ता नेता मिलके पूरे मुंबई में आज एक ही टाइम पे आप पूरे मुंबई में 22 स्टेशनों पे आप इस तरह की ये लड़ाई देखोगे। और ये मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ सारी जनता को, ये बहुत कुछ चीज़ें मार्केटिंग बहुत करते हैं हमारे पैसे लगा के, चाहे केंद्र की सरकार हो, आज तक 1400 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने सिर्फ अपनी पब्लिसिटी करने में खर्च किए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 300 करोड़ रुपया खर्च किए हैं सिर्फ पब्लिसिटी कराने में, जो काम उन्होंने किए नहीं उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। यह आंदोलन 2019 तक आम आदमी का आंदोलन है, गरीब का आंदोलन है, इस देश के सारे जाति धर्म जाति नाति जितने भी लोग हैं उनका यह आंदोलन है। और जब तक इस सरकार को, भाजपा सरकार को जमीन में गाड़ नहीं देते, तब तक यह आंदोलन वहाँ भी चलेगा, महाराष्ट्र में भी चलेगा, यह मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अब अगर पकोड़े के माध्यम से रोजगार की निर्मिति होती है तो आपने संजय निरुपम को क्यों मना किया? तो आपकी मनीषा क्या है? आपको तो प्रोत्साहित करना चाहिए। मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष पकोड़े तल रहे, तुम्हारे ही बात कर रहे, क्या प्रॉब्लम है? परसों हमारे नेता राहुल गांधी कर्नाटका में गए, हमने पकोड़े खाए वहाँ, तो हम उसकी ये कर रहे, आपको कोई शर्म लग रही है? आपको क्यों बुरा लग रहा है? क्यों आपके पकोड़े तल रहे हैं इसलिए? अरे देखिएगा, साल भर इतने पकोड़े तलेंगे कि आप भाग जाओगे। आज 710 रुपये में है, मुझे मालूम नहीं 2019 में कितने रुपये होंगे, और गरीब कहाँ से लाएगा पैसे? यहाँ जुमलेबाजी करते हैं, यहाँ हमारे पैसे ये करके वहाँ मार्केटिंग कर रहे। 3000 महिलाओं का योगदान, तुम्हारा क्या योगदान है इसमें? मोदी जी का क्या योगदान है? 3000 महिलाओं ने, अगर 3 करोड़ महिलाओं ने अगर उनकी ये सरेंडर किए, सब्सिडी सरेंडर किए, तो गरीब ने अपना हिम्मत बताया कि भाई सबको मिलना चाहिए, तुमने क्या सरेंडर किया है वो तो हमें बताओ। आप तो सरेंडर करोगे नहीं, आप तो और ज़्यादा अंबानी को बड़ा बनाओगे, आप और ज़्यादा अदानी को बड़ा बनाओगे, तो आप इन्हीं को बड़ा बनाइएगा। आपकी हमारी समस्या है, 4 सालों में जितनी भी जुमलेबाजी हुई, आप भी बताइएगा, एक ऐसा एक मुद्दा बताइए जो जिन्होंने कहा और किया, मित्रों बताइएगा। आंदोलन में हमारे साहब आए और हमारे साहब ने जो बताया है, इस सरकार को जब तक धूल नहीं चटाएंगे ना साहब हमको बैठने देंगे ना खड़ा होने देंगे, इनके पीछे लगेंगे और इनको मिट्टी में गाड़ेंगे। आज का आंदोलन खास महिलाओं के लिए बोला जाएगा, क्योंकि महिलाओं को इतनी परेशानी हो रही है और ये गैस सिलेंडर का भाव इतना बढ़ गया है, जो कांग्रेस सरकार के वक्त एकदम 300 से डायरेक्ट बीजेपी सरकार ने 710 रुपये किया। इस नोटबंदी ने सबकी हालत ख़राब की, कितने जन मर गए इस चीज़ में। और आज सुबह की न्यूज़ में डायरेक्ट पंजाब नेशनल बैंक का ये आ गया कि इतने का घोटाला कर दिया नीरव मोदी ने।